टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब मिस्त्री की कार मुंबई से सटे पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई। उस समय मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे। जानते हैं कौन थे साइरस मिस्त्री और बिजनेस की दुनिया में उन्होंने क्या मकाम हासिल किया था। बिजनेस की दुनिया में भले ही साइरस किसी परिचय के मोहताज ना हो, लेकिन आम लोगों के बीच साइरस मिस्त्री उस समय चर्चा में आए थे जब वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। अब उनके इस तरह असामयिक निधन पर प्रधानमंत्री मोदी तक ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के छठे अध्यक्ष थे। उन्होंने 2012 में रतन टाटा के बाद ये पदभार संभाला था। हालांकि मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 6 फरवरी 2017 को होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी उन्हें हटा दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। साइरस मिस्त्री मशहूर बिजनेसमैन पलोनजी के बेटे थे। पलोनजी की कंपनी शाहपुरजी पलोनजी ग्रुप टाटा समूह में सबसे बड़ी हिस्सेदार है। टाटा सन्स का चेयरमैन बनने से पहले साइरस मिस्त्री अपने परिवार के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को संभाल रहे थे। साइरस ने लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। टाटा सन्स का चेयरमैन रहने के दौरान उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स में बिजनेस की बारीकियों को सीखा। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। बाद में वो फोर्ब्स कोकक, यूनाइटेड मोटर्स इंडिया और शाहपुरजी पलोनजी एंड कंपनी जैसी कई अन्य कंपनियों के भी निदेशक बन गए। टाटा के साथ मिस्त्री परिवार का जुड़ाव 1930 में तब शुरू हुआ था जब शाहपुरजी पलोनजी मिस्त्री ने टाटा सन्स में एफई दिनशॉ एस्टेट से 12.5% हिस्सेदारी खरीदी थी। मिस्त्री ने बाद में टाटा परिवार से अधिक हिस्सेदारी हासिल कर ली। इसके बाद शाहपुरजी पलोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 16.5% हो गई। मिस्त्री ने टाटा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए 90 के दशक में टाटा सन्स के राइट्स इश्यू में 60 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था। साइरस मिस्त्री की बात करें तो इनकी माँ भारतीय मूल की आयरिश नागरिक थीं। साइरस मिस्त्री के पास आयरिश पासपोर्ट था। साइरस मिस्त्री की बहनों में से एक ने रतन टाटा के सौतेले भाई और टाटा समूह के एक प्रमुख कार्यकारी नोएल टाटा से शादी की। 1992 में साइरस मिस्त्री ने भारत के सबसे प्रमुख वकीलों में से एक इकबाल छागला की बेटी से शादी की। उनके बेटों ने मुंबई में अपने पिता की तरह अपनी शिक्षा शुरू की। अब 4 सितंबर को उनके इस तरह सड़क हादसे में असामयिक निधन से हर कोई स्तब्ध है।